प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद संभल के जिला मुख्यालय भेजोई के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में सम्मिलित होने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 4 वर्षों में किए गए कार्यों के विषय में बताया। इस दौरान जिला मुख्यालय के प्रांगण में किसान मेला, गोष्ठी, प्रदर्शनी भी जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी भी थी। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में बताया कि आजादी के बाद जनसंघवादी विचारों के आधार पर ही सरदार पटेल के सुझाव से बैंकों का राष्ट्रीयकरण संभव हुआ। वहीं दूसरी ओर रियायतों का दमन कर एकीकरण का कार्य किया गया, जिससे जाति धर्म वर्ग से परे प्रत्येक भारतवासी, गरीब मजदूर, किसान, आदिवासी, वनवासी को पूर्ण मान सम्मान व रोटी, कपड़ा और मकान का अधिकार मिल सके। देखिए, पार्टी का जनसंघ का नियम ही आधार पर रखा गया था और जनसंघ की कोई आवश्यकता नहीं। आजादी के बाद जब नेहरू प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल ने सभी रियासतों का एकीकरण कर राष्ट्र की एकता अखंडता कायम हो चुकी, लेकिन एक कश्मीर की समस्या शेष था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नींव रखा था और कश्मीर में भी बिना परमिट वीजा के लोग कश्मीर के अंदर जाएं, अमरनाथ माता का दर्शन करें, वहाँ भी एक खुशहाली रहे, इसी कारण डॉक्टर साहब ने मार्च किया था उनकी गिरफ्तारी और 23 जून 1953 को उनकी शहादत हो गई। जब से आप जनसंघ और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का दो ही सपना है, गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, गिरवासी, वनवासी, ऐसे पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का पक्का मकान होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था उसकी फ्री होनी चाहिए, रहने को छत हो, बिजली का कनेक्शन हो, उसके शौचालय हो, पक्का मकान हो, उसके बच्चे ठीक ढंग से पढ़ सके, समाज में सम्मान प्राप्त कर सके और सम्मान में राजनीति में भी, व्यापार में, हर क्षेत्र में उसको सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा, हिंदुस्तान जो भारत माँ हमारी है वो पूरी दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनकर बैठ जाए और पूरी दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार, जो 1857 के क्रांति और 1947 तक जो देश के लिए लोग लड़े, मरे, खपे और ये आज़ादी मिली है, तो वो लोगों का जो सपना था कि वंदे मातरम भारत माता की जय, पूरी दुनिया के अंदर जय जयकार हो, उसी रास्ते पर आदरणीय मोदी जी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और जब तक ये सपना पूरा नहीं होगा तब तक चरवेति चरवेति, इसी लक्ष्य के लिए गरीब को पक्का मकान, खुशहाली देना है और पूरी दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार। सर, मेरा सवाल ये था कि आगामी चुनाव जो होगा उपलब्धियों के आधार पर होगा या किसी बड़े मुद्दे, विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, विकास के नाम पर लड़ेंगे, विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। अब मेरे को बताओ ना, इस राज्य के अंदर पहली बार योगी ने 40 लाख मकान दिया, प्रधानमंत्री आवास, इसके बावजूद विपक्षी उंगली उठा रहा है आपके विकास कार्यों को लेकर। आप मेरे को बताओ, विकास कोई पार्टी होती है क्या? सपा क्या है? अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है सपा का? ये सभी को मालूम है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का बेटा होगा। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन अगला होगा? वो का अध्यक्ष राज्य के अंदर काम करने वाले ईमानदार नेता, जैसे आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह, आदरणीय अभी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा तय नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा तय नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का मात्र दो काम है, एक अपने परिवार को बढ़ाना, दूसरा राज्य को लूटना, तीसरा काम कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आज आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय योगी जी हैं, मंदिर है लेकिन उनका व्यक्तिगत मकान नहीं है। मोदी जी मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री, एक भी मकान नहीं, परिवार को भी नहीं बनाए मकान, इसलिए गरीबों को कल्याण के लिए ही काम करना। सर, आपकी जो पार्टी के दावे हैं उसके सवाल उठा रही है, अपने सवाल उठा रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि प्रदेश में बुलडोजर पॉलिसी चल रही है, एनकाउंटर पॉलिसी चल रही है, एनकाउंटर किए जा रहे हैं। आप सुन देते हो जी? आप सुन चाहिए, वो बहन जी क्या कर रही है, भाई साहब क्या कर रहे हैं, विषय नहीं है। आप राज्य के अंदर देखा होगा और सपा बसपा शासन आपने देखा है, आज नियुक्तियों में हमें कोई एक व्यक्ति आरोप, आप भर्ती पुलिस की हुई, अध्यापकों की हुई, ट्रांसफर हो रहा है, आप जाकर देखा हो कि 1 रुपया कोई रिश्वत देकर नियुक्तियां पा जाए, 4 लाख में आप आदमी तलाश कर लो राज्य के अंदर कि वह 1 लाख रुपया देकर अपनी भर्ती लिया। मुझे वो करने दो ना, विपक्ष विपक्ष मेरे खिलाफ है, नहीं किसी को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हम ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, सभी नेता हमारे लिए सम्मान नहीं है, चाहे किसी दल के हो,
सभी का दायित्व बनता है गरीबों का कल्याण। कोरोना जैसे महामारी में सभी लोग बाहर निकल गरीबों की सेवा करें, इसी लक्ष्य के लिए।